सो वेलकम बैक गाइस, मेरा नाम लान है और आज के इस मेक माच फ्री कैंपेन में हम देखेंगे कि फ़ोनपे ऐप में आप किस प्रकार अपना QR कोड जनरेट कर सकते हैं जिससे कि आप अपने दोस्तों या किसी और से पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। तो अक्सर आपने देखा होगा कि QR कोड स्टिकर को आप स्कैन करके पेमेंट करते हैं लोगों को, तो आपने सोचा होगा कि अपना भी एक QR कोड क्यों ना जनरेट करके देख सके। तो ये बड़ा ही ईजी है, कोई भी UPI एप्लीकेशन में आप इसको जनरेट करा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं बेसिकली फ़ोनपे एप्लीकेशन में एंटर कर चुका हूँ, तो आप प्ले स्टोर से फ़ोनपे एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। इसको करने से पहले मैं आपको बस एक एडवाइस ये करूँगा कि आप बैंक अकाउंट को ऐड कर लें। तो आप बैंक अकाउंट में जाएंगे और यहाँ पे आपने जिस भी नंबर से फ़ोनपे अकाउंट को रजिस्टर कर रखा है उससे आपका बैंक में जुड़े जो वही नंबर से अगर आपकी कोई बैंक अकाउंट्स हो तो उन बैंक अकाउंट्स को आप लिंक करा सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा जैसे कि ICICI अकाउंट उसी फ़ोनपे नंबर से रजिस्टर्ड है, तो इसलिए मैं इसको जोड़ रहा हूँ। क्योंकि मैं ये पहले कर चुका हूँ तो ये फिर से जस्ट लाइक दैट हो जा रहा है, लेकिन जब आप पहली दफ़ा करेंगे तो आपको UPI पिन क्रिएट करना होगा, क्योंकि जब भी आप पेमेंट्स करते हैं UPI ऐप से तो आपको UPI पिन की ज़रूरत पड़ती है। खैर, एक बार आपने बैंक अकाउंट जोड़ लिया उसके बाद आप जाएंगे प्रोफाइल आइकॉन की तरफ, यहाँ पर आप व्यू योर QR कोड और ये आप देख सकते हैं। तो ये आपका QR कोड, आप चाहे तो इसको प्रिंट ले लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप अपने दोस्त को बोलते हैं यार मुझे 10 रुपये भेज, तो अगर आपका इस QR कोड को स्कैनर के माध्यम से वो स्कैन करके भेजने की कोशिश करता है तो ये होता है स्कैनर। नॉर्मली हम स्कैनर से दुकान में जैसे हम QR कोड स्कैन करते हैं, तो अब जब वो इस QR कोड से स्कैन करेगा तो क्या होगा कि अब आपका जो लिंक बैंक अकाउंट है उसमें पैसे जाएंगे। अगर एक से ज़्यादा बैंक अकाउंट लिंक्ड है तो आपका प्राइमरी बैंक अकाउंट में जाएगा। तो कैसे पता चलता है वो, आपके बैंक अकाउंट में आप जाएंगे और आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन से अकाउंट को आपको प्राइमरी बनाना है। तो अभी हमने जैसे कि ये अकाउंट है इसको हमने जैसे प्राइमरी बना दिया है, तो अब क्या होगा जब आपका दोस्त मान के चलिए आपके QR कोड को स्कैन करता है और पैसे भेजता है, तो आप देख सकते हैं कि इस प्राइमरी अकाउंट में आपके पैसे आएंगे। ये तब होता है जब मल्टीपल बैंक अकाउंट्स हैं तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं कौन से अकाउंट में आप पैसा लाना चाहते हैं। लेकिन ये आपको मिल गया आपका QR कोड, और जाइए एंजॉय करिए, आपके दोस्त को ये शेयर करिए जिससे कि अगर आपने उसको कोई सर्विस दिया है या कुछ भी तो इस तरीके से आप QR कोड में पैसे ले सकते हैं। थैंक यू सो मच, मैं अमनान आपसे अलविदा लेता हूँ, अगले ट्यूटोरियल में ज़रूर मिलूंगा। अगर इस ट्यूटोरियल में कोई भी डाउट्स है या सवाल है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख पूछें, मैं हर सवाल का जवाब दूंगा। थैंक यू।